पहली सीनियर डे केयर की मांग को लेकर श्रेय क्लब के सचिव रमेश यादव व भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा गुरुवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त अमरप्रीत लकड़ा से वार्ता की। इस दौरान रमेश यादव ने उपायुक्त को वस्तु स्थिति की जानकारी दी तथा उपायुक्त के द्वारा इस विषय पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों के लिए ग्रिडी सदर अस्पताल में थैलेसीमिया डे केयर की स्वीकृति देने की मांग की। इस मामले को उपायुक्त ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि ग्रिडी सदर अस्पताल में बहुत जल्द ही थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों के लिए थैलेसीमिया डे केयर बनेगा, जिससे गिरिडीह जिले के सैकड़ों बच्चे इसका लाभ ले पाएंगे। उपायुक्त ने अपने सहयोगियों से कहा तत्काल इस सामाजिक कार्य पर रिपोर्ट बनाकर कार्य की पहल करें। उपायुक्त श्री लकड़ा ने कहा कि थैलेसीमिया के लगभग 150 मरीज जिले में हैं। हर एक 15 और एक महीने में इनको रक्त की जरूरत होती है। आम लोगों को और जागरूक होने की जरूरत है, जिससे रक्तदान में रक्तदाता और बढ़ चढ़कर साथ दे। श्री क्लब के श्री यादव ने कहा कि ग्रीडी में थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों के लिए सदर अस्पताल में किसी भी प्रकार की कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, इसलिए श्री क्लब निरंतर प्रयासरत है कि इन बच्चों को जरूरी दवाइयां, जांच की सुविधा एवं उचित सलाह ग्रीडी में मिलती रहे। गिरिडीह में 150 के करीब थैलेसीमिया ग्रसित बच्चे हैं, जिन्हें हर माह रक्त की आवश्यकता पड़ती है। इन बच्चों के लिए हमारी संस्था श्रेय क्लब लगातार 20 वर्षों से प्रयासरत है कि इन्हें रक्त उपलब्ध करवाते रहें। इसके लिए हम लोग 24/7 लगे हुए रहते हैं। साथ ही गिरिडीह के कई अन्य संस्थान भी हैं जो ससमय कैंप लगाकर रक्त अधिकोष को रक्त देते हैं, जिनसे इन बच्चों का जीवन चलता है। लेकिन इन लोगों को केवल रक्त की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, इसके अलावे इन बच्चों को लगातार कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ जांच जो ससमय इन लोगों को करवाना पड़ता है। क्योंकि इन्हें जीवन भर रक्त चढ़ता है, तो लगातार रक्त चढ़ने से भी कई तरह की परेशानियां इन्हें होती हैं, जिसके लिए इन्हें कई तरह के जांच और कई तरह के डॉक्टरी सलाह की भी ज़रूरत होती है। चूँकि गिरिडीह सदर अस्पताल में थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों के लिए अलग से कोई भी व्यवस्था नहीं है, इसीलिए श्रेय क्लब लगातार इसलिए भी प्रयासरत है कि इन लोगों के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल में डे केयर की सुविधा हो। इसके लिए हम लोग वर्षों से प्रयासरत थे और आज भी इसी सिलसिले में मैं और हमारे गिरिडीह जिला के एक समाजसेवी राजेश सिन्हा जी गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा जी से मिले और सारी वस्तु स्थिति की जानकारी दी। उसे समझते हुए गिरिडीह उपायुक्त ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस और एक्शन लिया और उम्मीद जताई है कि बहुत जल्द ही गिरिडीह में थैलेसीमिया डे केयर हो जाएगा, जिससे बच्चों को अन्य सुविधाएं भी मिल पाएगी। मैं तहे दिल से गिरिडीह डीसी का धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस और पहल किया। निश्चय ही इससे थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। भंडारी डी में स्थित स्वर्ण चित्र मंदिर के प्रांगण में लग गया है मनोरंजन से भरपूर डिज्नीलैंड मेला। शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक चलने वाले इस मेले में टावर झूला, ब्रेक डांस झूला, ड्रैगन ट्रेन, कोलंबस और बच्चों के लिए खास वाटर बोट, मिकी माउस रेसिंग कार, यूनिक बेबी ट्रेन, इलेक्ट्रॉनिक हेलीकॉप्टर, इलेक्ट्रॉनिक स्कॉर्पियो, एरोप्लेन जंपिंग वगैरह लगाया गया है। यहाँ आप कासा क्रॉकरी, इमिटेशन ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक टॉय, नेम प्लेट की रिंग, क्रिस्टल किचन आइटम, कुर्ती, लेगिंग्स वगैरह खरीद सकते हैं। साथ ही गन शूटिंग का भी मजा ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ चटोरी चाट, चौमिन, रोल, पाव भाजी, मिक्सचर वगैरह का लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो पूरे परिवार के साथ उस मेले में आए और भरपूर आनंद ले। पता स्वर्ण चित्र मंदिर प्रांगण, भंडारी डी, गिरिडीह।